हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो गाइस ऐसा नहीं है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है? किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, लेकिन बस आप पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। शॉर्ट पुट प्लेयर थ्रोज अ शॉर्ट पुट ऑफ मास 3 kg इफ इट क्रॉसेस द टॉप ऑफ वॉल 2 meter हाई एट अ स्पीड ऑफ 4 meter per second। कंप्यूट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी गेन बाय द शॉर्ट पुट व्हेन इट क्रॉसेस द वॉल। सबसे पहले जो भी चीजें गिवन है हमें वो लिखनी है। मास इज इक्वल टू 3 kg, हाइट 2 meter, वेलोसिटी 4 meter per second एंड जी इज इक्वल टू 9.8 meter per second। वी नो दैट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एड ऑन होता है। दोनों की फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड वी गेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर इन अ हाउस होल्ड इन विच 4 devices ऑफ पावर 500 watt ईच आर यूज डेली फॉर 10 hours। 4 devices हैं जिनकी पावर 500 watt है, 10 घंटे डेली यूज होते हैं, तो हमें बताना है कि कितनी एनर्जी नवंबर के मंथ में यूज्ड अप हुई है। पावर 500 watt है, टाइम कितना है, 4 devices हैं, 10 घंटे चलते हैं और नवंबर में 30 दिन हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू P into T है। वैल्यूज को पुट करेंगे हम और ये हमारा आंसर आ जाएगा 600 kW। अनुभा कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 meter per second अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 newton एंड आभा कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 3 meter per second अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 newton। हु इज मोर पावरफुल? तो फोर्स अप्लाइड बाय अनुभा 10 न्यूटन है, स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है। अब पावर इज इक्वल टू F into V, तो हम फोर्स कितना है 10 है, स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, तो 80 वॉट इसकी पावर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स अप्लाइड बाय आभा 25 न्यूटन है, स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो पावर कितनी 75 वॉट आ गई। अब आप देखिए हु इज मोर पावरफुल, तो 80 वॉट जिसकी पावर ज्यादा है दैट वन इज मोर पावरफुल। सो अनुभा इज मोर पावरफुल देन आभा। नेक्स्ट है द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 kW। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रीच टू अ हाइट ऑफ 10 meter। देखिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, अगर पावर किलो वॉट में है तो टाइम आर में होना चाहिए, और अगर आर में टाइम नहीं है तो किलो वॉट को हम वॉट में चेंज कर लेंगे, ठीक। तो देखिए जैसे पावर यहाँ पर 2 kW है, तो अब हम इसको वॉट में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम 1 मिनट है, मतलब 60 सेकंड है। तो टाइम कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। E इज इक्वल टू P into T होता है और E इज इक्वल टू MgH होता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हाइट दी हुई है, हाइट दी है और हमें कितना वाटर मतलब उसका मास बताना है, ठीक। वैल्यूज को हम पुट करेंगे और 1200 kg। In a house of 3 valves of 25 watt each are used for 5 hours a day, calculate the units of electricity consumed in a month of 31 days. Also find the total expenditure if 1 unit of electricity costs ₹2.50. देखिए आवर दी है वॉट में और जो टाइम दी है आवर्स में, सो वी हैव टू चेंज पावर इंटू किलो वॉट। वॉट से अब हमें किलो वॉट में चेंज करना है। जब भी वॉट से किलो वॉट में चेंज करनी होती है, 1000 से डिवाइड किया जाता है, किलो वॉट से वॉट में चेंज की होती है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्लियर। टाइम है 5 hours, E इज इक्वल टू P into T। अब सबसे पहले देखिए पावर, फिर उसके बाद टाइम एक एक करके लिखिए। टाइम कैसा लिखा होगा, सबसे पहले भाई कितने बल्ब हैं, 3 डिवाइस जितने भी हैं उनको लिख लेंगे, कितने दिन के लिए चल रहे हैं या कितने घंटे के लिए चल रहे हैं वो लिख लेंगे, और यहाँ पर 31 डेज है तो वो लिख लेंगे। अब चूंकि हमने क्या करा था, या तो आप पहले से ही उसको वॉट को किलो वॉट में चेंज कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 11.625 kW। अब उन्होंने बोला है कि एक यूनिट का खर्चा कितना हो रहा है 2.50, 2.5 रुपए। अगर एक यूनिट का खर्चा 2.5 रुपए है, तो जो आपकी 11.625 यूनिट्स हैं उनका खर्चा कितना होगा, तो 29। बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 50 steps इन 10 seconds इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 10 cm। फाइंड हिज पावर वेयर जी इज इक्वल टू 10 m/s². मास कितना गिवन है 55 kg, टाइम कितना है 10 सेकेंड और हाइट कितनी है 1 स्टेप की
10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और किलोग्राम का कोई भी मैचअप नहीं है, इसलिए हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। और कितने स्टेप्स हैं? 50 स्टेप्स हैं। ईच स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है? 0.1 मीटर है, तो 50 स्टेप्स की कितनी होगी? 5 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर। जी कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी। फिर पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब हमने वर्क डन निकाल लिया है और वर्क डन जो है वो कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी यूज होती है ना, तो किए गए काम के बराबर ही होगी। एनर्जी कितनी लगेगी? जितना हमने काम किया होगा या जितना हम काम करते हैं उतनी हमें एनर्जी लगती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी एच। क्या हो गया? एम जी एच। फिर पावर इज इक्वल टू कितना है भाई? पावर वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन अपॉन टाइम है, और वर्क डन कितना हो गया? एम जी एच हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ मैन इज मूविंग विथ हाई वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैन वेइंग 60 kg इफ ही इज ऑन अ हाइट ऑफ 50 मीटर एट दिस स्पीड। जी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? 60 kg। हाइट कितनी है? 50 मीटर। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ गिवन होता है आप उनको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्या पूछा गया है उसके बेसिस पर। हमसे क्या पूछा गया है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कांस्टेंट होती है, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। एम दिया है, जी दिया है, एच दिया है, इजीली निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 mv². वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कीजिए। अब टोटल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की हमने वैल्यू पुट करी, एड ऑन किया, और ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन देखिए अब साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पोर्शन तीनों ही आना है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बायोलॉजी बहुत अच्छा कर चले जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दें, या फिजिक्स बहुत अच्छा करके चले जाएं, केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ दें। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देकर चलना होगा। क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर पेपर पेन लेकर बैठे ही हैं। अगर आप नहीं बैठते तो ये हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ें गिवन है वो लिखिए, फिर जो पूछा गया है वो लिखिए, और फिर फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अब देखिए, जैसे इसमें मास गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो क्वेश्चन क्या था? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट। ये तो बहुत ईजी है कि भाई मास दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दी है, हाइट निकालनी है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सपोज यू हैव अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इन योर हैंड, टू व्हाट हाइट विल यू रेज इट सो दैट इट मे एक्वायर अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। देखिए, अब जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले लिखिए, वीडियो को पॉज करके जो भी चीज़ें गिवन है लिखिए। मास है 1 kg, हाइट हमको निकालनी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जूल। ठीक है, मास 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल, हाइट हमको निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, और ये हमारी हाइट आ गई 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दी है क्या?
नहीं दी भाई, एनर्जी तो फाइंड आउट करनी है। मास दिया है 10 kg, हाइट दी है 6 meter, जी की वैल्यू दी है, वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 meter अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। देखिए ये दिया है कि ऑब्जेक्ट का मास, सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पे एकदम से डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जो चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो मास 40 kg है, हाइट 5 meter है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पूछी गई है। जब भी हाइट दे दी, मास दे दिया, जी इज इक्वल टू 10 है, अगर 9.8 है तो वो आपको गिवन करेंगे। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें दी है तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई जाएगा। उन्होंने क्या कहा, इफ़ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन की वजह से, मतलब वस्तु स्थिर है, उस स्थिरता की वजह से, उस स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब वो ऑब्जेक्ट फॉल हो रही, इट मींस अब वो गिरना शुरू कर रही है, इट मींस अब वो मोशन में आ गई, एंड बिकॉज ऑफ मोशन कोई अगर एनर्जी उसमें पजिस करती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने क्या कहा, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन हमने पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो व्हेन इट रीचेस टू द हाफ वे, जब वो आधे रास्ते में पहुंचेगी, हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो हाफ है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। एम जी एच बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, और पोटेंशियल एनर्जी जब 2000 joule निकली थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1000 joule। Being 50 kg runs up a hill raising herself vertically 10 meter in 20 seconds, what is the power expended by girl? तो देखिए मास कितना है, 50 kg है, हाइट कितनी है, 10 meter है, टाइम कितना है, 20 seconds है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, mg होता है, रिमेंबर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाए। अ मास ऑफ 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.5 meter, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इट इज जस्ट रीचेज द ग्राउंड। देखिए मास कितना है, 20 kg है, हाइट कितनी है, 0.5 meter है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी, देन वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी। यस, तो अब हमें सबसे पहले भाई काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो mgh अब भी जैसा कि हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी है वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, जब वो मोशन में होती है, ठीक। अब वो चीज़ ड्रॉप हो रही है, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, यस और नो? तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बहुत इजीली है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप सभी को आ रहा होगा कि √2gh बन गया, वैल्यूज़ को हमने पुट किया और यहाँ पर ये हमारी वेलोसिटी निकल कर आ गई। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अ चाइल्ड ड्रॉप्स अ स्टोन ऑफ 1 kg फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी 5 seconds आफ्टर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। देखिए अगर आपने मोशन वाले क्वेश्चंस करे हैं, मैंने कराए हैं, चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, देख लीजिए। फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है, फिजिक्स न्यूमेरिकल शॉर्ट्स के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, तो आप उन सेशंस को देखिए, उससे आपको क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपस में
इंटरलिंक्ड होती हैं। तो अगर आप पहले के सेशंस देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, और मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं तो उनको अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे आई, ये आप में से कौन मुझे कॉमेंट्स में बताएगा, जल्दी से आप कॉमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी भाई ज़ीरो कैसे आई, और जो भी इसका सबसे पहले आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम और कमेंट दोनों ही मेंशन करने वाली हूँ, ठीक है। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली, बस ये याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाओगे ना आपको खुद से बनता जाएगा, क्लियर हो रही है ना सारी बातें। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम बात करते हैं, अ बॉय लिफ्ट्स अ सूटकेस ऑफ 20 केजी फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस। तो सबसे पहले मास गिवन है, हाइट गिवन है, जी गिवन है, भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। अब ये भी वर्क एंड एनर्जी का जिसने पहला वाला सेशन देखा होगा आज ये अच्छे से बता पाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh है। वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। Thanks for watching this video.